हेलो गाइस, सो इन दिस वीडियो विल बी लर्निंग कॉन्केटिनेट फंक्शन। सो गाइस, कॉन्केटिनेट फंक्शन हम यूज करते हैं जब हमें दो टेक्स्ट को एक साथ जोड़ना होता है। सपोज मेरे पास यहाँ पे गगन है एंड दूसरे सेल में कुत्ता है, एंड व्हाट आई वांट इज मैं इन दोनों को इस तरीके से मर्ज करना चाहता हूँ कि ये एक सेल में इस तरीके से आता है, गगन गुप्ता। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम दो टेक्स्ट को आपस में जोड़ रहे हैं। सो हमारे पास जब भी सेल्स के अंदर मल्टीपल टेक्स्ट होते हैं और उनको एक सेल के अंदर मर्ज करना चाहते हैं, हम यूज करते हैं कॉन्केटिनेट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास नेम है एंड सरनेम है, नेम एंड सरनेम। व्हाट अ पॉइंट इज मैं इन दोनों को आपस में मर्ज करना चाहता हूँ यहाँ सिंगल सेल के अंदर। सो हाउ वी कैन डू डू दैट इज लेट मी राइट ए हेडर ओवर हियर। सो इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट, दिस इज फर्स्ट टेक्स्ट कॉमा दिस इज सेकेंड टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारे पास सिंटेक्स भी है कॉन्केटिनेट के लिए, टेक्स्ट वन कॉमा टेक्स्ट टू कॉमा टेक्स्ट थ्री, यानी हमारे पास जितने भी टेक्स्ट हैं हम उनका रेफरेंस दे सकते हैं वन बाय वन एंड देन जस्ट ब्रैकेट क्लोज। सो सैमन वॉश इट्स इन द वन सेल। यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा मर्ज हो गया सिंगल सेल के अंदर। सपोज मैं इसके अंदर बीच में एक स्पेस भी चाहता हूँ, सो वट वी कैन डू इज आफ्टर कॉमा हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस भी एंटर कर सकते हैं। सो एच टू कॉमा देन इन्वर्टेड कॉमास के बीच में स्पेस देन कॉमा देन आई टू, इट मीन्स इन दोनों के बीच में हमारे पास एक स्पेस आ जाएगी। लेट्स सी, सो यू कैन सी स्पेस इज देयर। सपोज एक एग्जाम्पल रोल ले लेते हैं। सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरा सरनेम पहले आए, उसके बाद कॉमा आए, उसके बाद फर्स्ट नेम आए, जैसे हमारा मिल्स के अंदर होता है। सो वट वी कैन डू इज विल कॉन्केटिनेट, सबसे पहले जो टेक्स्ट हमें सबसे पहले चाहिए दैट इज सरनेम एंड देन कॉमा देन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मुझे चाहिए कॉमा देन कॉमा टेक्स्ट टू इज नेम। सो आई टू देन इन्वर्टेड कॉमा के बीच में एक कॉमा एंड देन एच टू। सो ये क्या करेगा, हमारा पहले सरनेम देन कॉमा देन फर्स्ट नेम। सो इस तरीके से आप कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं। थैंक यू।